फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने लगे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एनालिसिस आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक का पता होना चाहिए और पेपर टू में बहुत बार ऐसे डेमोक्रेसी के रिलेटेड या किसी और ऑर्गन्स के रिलेटेड आपके जब व्यूज मांगे जाते हैं तो बहुत बार एक गलत गलती स्टूडेंट से क्या हो जाती है दे ट्राई टू गिव वन साइडेड व्यू तो वहां पे हमें एक अच्छे तरीके से पता होना चाहिए उसी कंटेक्स को आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए हमने कोशिश करी कि डेमोक्रेसी के ऊपर ही क्वेश्चन बनाया जाए सो so देट आपको पहले बात तो डेमोक्रेसी के किस एंगल से आपको देखना होता है वो आपको पता लग जाए द क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी इज नॉट डेस्टिनी लिस्टेड क्या डेमोक्रेसी डेस्टिनी है आपकी इज डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं हम डेमोक्रेसी को कैसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब बढ़िया तरीके से लोगों को गवर्न करने का जरिया हम बना सकते हैं इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरा करना पड़ेगा क्या डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू करने के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए लोगों के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी पोलिटिकल क्लास पोलिटिकल लीडर्स की क्या होना चाहिए वेन एवर यू हैव टू राइट सच ए क्वेश्चन आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से देखनी पड़ेगी दैट आपको इसको मल्टीपल डायमेंशन से देखना पड़ेगा फर्स्टली वाइल टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल डायमेंशन आपको डेमोक्रेसी के बारे में जब इंट्रोडक्शन या किसी भी तरीके से लिखना है आप इसको यह भी देखना पड़ेगा डेमोक्रेसी कहाँ पे किस ऑर्गन में और किस तरीके से ये तीनों के तीनों आपके माइंड में होना चाहिए टॉक अबाउट अ सिस्टम। अगर हम डेमोक्रेसी जब हमारे पहले बार एक शब्द आता डेमोक्रेसी हमें लगता है इट सिस्टम दैट गारंटीज फ्रीडम कि आपकी फ्रीडम आपको गारंटी करता है इसके साथ इक्वेलिटी आपको क्या करता है डेमोक्रेसी की जब बात आती है अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं एक ऐसा सिस्टम जो आपको फ्रीडम करता प्रोवाइड करता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको इक्वेलिटी प्रोवाइड करता है और जो आपको साथ ही साथ में पार्टिसिपेशन भी करता है फ्रीडम एंड जब आप फ्रीडम की बात करते हैं डू नॉट थिंक ओनली इन द पोलिटिकल कंटेक्सट आपके पास सोशल है आपके पास इकोनॉमिक कंटेक्सट एंड मल्टीपल आर देयर हमें लगता है कि डेमोक्रेसी इज सिस्टम दैट गारंटीज़ फ्रीडम दैट गारंटीज़ इज इक्वलिटी दैट गारंटीज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल बट डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक आपको लिस्ट में है आपको इंट्रोडक्शन में इस तरीके से लिखना पड़ेगा क्या आपको जो स्टेटमेंट बताई गई है उसका एक ही मतलब है या उसको एक अलग तरीके से भी कंपेटली बताया जा सकता है डेमोक्रेसी वैन वी अंडरस्टैंड इट प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम एक्वेल्टी एंड पार्टिसिपेशन बट इट इट डज नॉट ऑटोमेटिकली गारंटी सटन थिंग्स फॉर एग्जाम्पल इट डज नॉट ऑटोमेटिकली गारंटी प्रॉस्पेरिटी It does not automatically guarantee stability. है लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि for example आपके पास एकदम प्रोस्पेरिटी आ गई है और आपके पास for example एकदम स्टेबिलिटी आ गई है and it is for achieving prosperity, for achieving stability you need to have certain things and you need to make the democratic system a successful one. Democracy enables this. बट आपको इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आपको मिल जाएगा और अगर प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं अगर आप साथ में स्टेबिलिटी की बात करते हैं जब नॉर्मली हम अगर डिस्कस करते हैं इफ वी हैव टू मेक डेमोक्रेटिक सिस्टम सक्सेस इट डिपेंड्स ऑन और अगर इसकी हम सक्सेस के बारे में फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को कंपेरेटिवली एक सक्सेसफुल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इट नीड क्या चाहिए कमिटमेंट ऑफ इट्स सिटीजन सिटीजन की आपको कमिटमेंट कंपेरटवी देखनी पड़ेगी पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इसके साथ ही इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके इंस्टीट्यूशन कितने इफेक्टिव है इंस्टीट्यूशन इफेक्टिवनेस का मतलब अगर सिंपल तरीके से है हाउ इट इज एबल टू प्रोवाइड और डिलीवर सर्विसेज टू द पीपल और खास करके तब जब विदाउट एनी पोलिटिकल बाइसनेस और विदाउट एनी पोलिटिकल प्रेशर इट कु और साथ ही साथ में आप इंडिविजुअल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो इंडिविजुअल राइट्स की फॉर एग्जांपल आप प्रोटेक्शन कैसे कर रहे हो इफ यू हैव टू मेक डेमोक्रेसी अ सक्सेस इट to टेकन टू consideration कि पहला आप सिटीजन्स की कमिटमेंट देखो कैसा है इंस्टीट्यूशन की इफेक्टिवनेस देखो कैसा है और इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्शन कैसे हुआ है दिस इज समथिंग आई वुडवाइ यू अगर आप इंट्रोडक्शन में लिखना है समथिंग अबाउट डेमोक्रेसी इज नॉट अ डेस्टिनी इट डिपेंड्स ऑन सर्टन देयर अगर उस तरीके से आंसर लिखना है तो अगर आप इसको इंट्रोडक्शन में इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे फुल इट इज इंपॉर्टेंट एंड डेमोक्रेसी इज नॉट डेस्टिनी ऐसा नहीं कि आपको मिल चुका है अगर आपने डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाना है इट डिपेंड्स ऑन सर्टन ऑस्पेक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको अलग तरीके से प्रेजेंट भी करना चाहेंगे इट डिपेंड्स ऑन सर्टन आस्पेक्ट फॉर एग्जाम्पल इट रिक्वायर्स क्या चाहिए आपको एक, विजिलेंस चाहिए इट रिक्वायर्स विजिलेंस अगर आपने सक्सेस बनाना है तो वहां पे आपको विजिलेंस की कंप्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या चाहिए इसके साथ विजिलेंस के साथ साथ आपको इसके लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है और साथ ही साथ में कॉन्स्टिटेंट कॉन्स्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है ना इसको फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट भी करना है इफ़ यू राइट योर आंसर स्टार्ट योर आंसर आई वुड से इन सच अ फॉर्मेट आपको कंपेरेटिवली एक आसान तरीके से अपने बढ़ी बढ़िया आंसर लिख पाओगे अब जब बॉडी पार्ट में आती हैं तो आप इसी चीज़ को फॉर एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन आगे करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर एग्जाम्पल हम एक्टिव पार्टिसिपेशन की अगर बात करते हैं एंड इफ वी टॉक अबाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर एग्जाम्पल आप किस तरीके से रखोगे लिखोगे वी टॉक अबाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन किस में यार इट हैज टू बी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फॉर जस्ट एज एन एग्जाम्पल इट कुड बीन वोटिंग एस्पेक्ट और होल्डिंग योर लेजिस्लेचर अकाउंटेबल ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबल भी ठहराना है तो वहां पे जब एक्टिव पार्टिसिपेशन की बारे में बात आता है तो किस कंटेक्स में वोटिंग के किस कंटेक्सट में अकाउंटेबिलिटी में और अगर इसको वोटिंग जस्ट एज एन एग्जाम्पल इफ द वोटर टर्न आउट इज लो अगर फॉर एग्जाम्पल वोटर टर्न आउट जो कंपेरेटिवली हो रहा है अगर लो है दैट दैट विल बी इंडिकेटिंग एट सटन किस के इंडिकेट करेगा इट इंडिकेट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम ना कहीं ना कहीं पे वीक हो रहा है फर्स्टली क्या कि डेमोक्रेटिक सिस्टम कंपेरेटिवली क्या हो रहा है वीक हो रहा है एंड सेकेंड द वॉइस ऑफ पीपल अगर आप अपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो अपने लोगों की आवाज डिमिनिश हो जाएगी एक्टिव पार्टिसिपेशन कहां पे आप वोटिंग पे एक्टिव पार्टिसिपेशन कहां पे आप अकाउंटेबिलिटी पे अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन हम वोटिंग पे करने की बात करते हैं अगर वोटर पार्टिसिपेशन अच्छा है तो अच्छा है डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर कम है मींस आपकी डेमोक्रेटिक सिस्टम इफेक्ट हो रहा है और साथ में द वॉइस ऑफ द पीपल इट इज गेटिंग डिमिनिश एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम And therefore, to sustain democracy, there are certain steps which need to be taken. टेकन किस तरीके से के सस्टेन करना है अगर इस चीज को हमने सस्टेन करना है तो हमें अलग अलग दायरे में फॉर एग्जाम्पल देखना पड़ेगा अगर सिटीजन के लिए बात करना है इफ यू टॉक अबाउट सिटीजन्स सिटीजन कैसे होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल दिटीजन हैज बी informed citizens. अगर हमने डेमोक्रेसी को सस्टेन ही चाहिए ना कैसे सिटीजन होने चाहिए there, informed, कहां पे? उसे पार्टिसिपेट करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली पार्टिसिपेट बट सिर्फ पार्टिसिपेशन काम नहीं है बट आप डिमांड भी करोगे क्या डिमांड करोगे यू विल बी डिमांडिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आप जो काम कर रही है हमारी ब्यूरो काम कर रहे हैं हमारा पोलिटिकल सिस्टम लेजिसलेचर उनकी और एग्जेक्टिव की साथ ही साथ में आप ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से काम हो रहा है और साथ ही साथ में आप उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी कंपेटली बात करो तो अगर एक्टिव सिटीजन सब ने करना है लेके आने के बाद इट नीड्स मल्टीपल आस्पेक्ट्स दैट नीड टू बी टेक इन टू इन वहाँ पे एक्टिव सिटीजन में ऑल दो आप इस तरीके से लिखोगे और साथ ही साथ में अगर इसको सस्टेन और सक्सेस करवाना तो ये भी चाहिए एक है सिटीजन का एस्पेक्ट। एस्पेक्ट अगर हम सेकंड के ऊपर फॉर एग्जांपल जाने की कोशिश करते है, <coughs> जो है हमारे दीज इंस्टीट्यूशन बेसिकली मेड इंडिपेंडेंट इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं चाहिए यार अगर रोबस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर हमें सेटअप करना है then we need to have institutions, and those institutions has to be independently working. those institutions has to be effectively working. just as an example, for example, we will be needing an independent judiciary. not only we would be requiring independent judiciary, but also we would be requiring an independent press also. इसके साथ ही साथ ऐसे प्रेशर ग्रुप होता है या इसको दूसरी तरीके समझे वी वुड बी रिक्वायरिंग व्हाट इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी सो दैट द पीपल कुड आल्सो बी अवेयर एंड दे कुड बी इन अ अंडीशन टू हेल्प दीज इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम दी अदर हैंड डेमोक्रेसी इज नॉट अ डेस्टिनी आपने इंस्टीट्यूशन सीज कर लिया और वह सक्सेसफुल ही हो पाएगा इट कम्पटली डिपेंड्स ऑन थिंग्स इफ इंस्टीट्यूशन आर कॉम्प्रोमाइज और आप अदर दूसरे तरीके समझने की कोशिश करोगे इफ देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ कंट्रोल दैट इज बींग एक्सरसाइज बाय द पोलिटिकल क्लास ऑन एनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन दैट आर देयर तो वहां पे डेमोक्रेसी आप ऐसा लगा लो इट बिकम एक्सेप्टेबल टू इंटरप्रिटेशन वहां पे उसको अलग अलग तरीके से लोग मैनुपलेट करने की कोशिश करेंगे एंड देयरफॉर फॉर अगर हमने इंडिपेंडेंस रखना है डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है इट बिकम्स इंपॉर्टेंट अस अलाउ दीज इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन टू वर्क इम लेट देम वर्क इम देयरफॉर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कैन बेर की फॉर एग्जाम्पल कु वर्किंग विद इम्पार्शियलिटी और फॉर विदाउट एनी फॉर बींग पार्शियल टू एनी वन एंड अगर इस तरीके से करें इम्पार्शिय करेंगे ना इसके साथ ऑटोमैटिकलीटन की इंटीग्रिटी बढ़ जाएगी एंड द लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होगा इंस्टीट्यूशन से कंप्लीटली वो बढ़ जाएगा नॉट ओनली दिस डेमोक्रेसी को अगर सक्सेस करना है वी हैव ऑल्सो टू टेकन टू कंसिडेशन वेट आर द माइनॉरिटी राइट दैट आर वेदर मैनॉरिटी राइट दट आर देयर वहां पर लोगों की एक्सपेक्टेशन खास करके माइनॉरिटी की डेमोक्रेसी डज नॉट ओनली मीन दैट कि सिर्फ एक जो मेजोरिटी ग्रुप है उनकी ही चले डेमोक्रेसी हम एक अच्छे तरीके से तब देख पाते हैं अगर जो मिनोरिटी वाले लोग हैं ये आर कंपेरेटिवली फीलिंग सेफ ज नो टैरिंग का एक मतलब मैं उनको, उनके ऊपर कुछ एनफोर्स नहीं किया मेड बाई दिज पीपल लेट दिज पीपल है उनको भी अपने देश के ऊपर गा नॉट ओनली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल ऑफ लॉ जहां पे डेमोक्रेसी सक्सेस बनाना है वहां पे रूल ऑफ लॉ आपको सक्सेस करना ही पड़ेगा क्यों बिकॉज अगर रूल ऑफ लॉ आर्बिट्ररी तरीके से काम करने लगा अगर रूल ऑफ लॉ फॉर एग्जाम्पल री तरीके से काम करने लगा तो वहां पे कोई फ्यूडल सिस्टम थोड़ा ना काम कर रहा कि एक घर की फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लॉ अगर ये आर्बिट्ररी है अगर इसको सिलेक्टिवली हम इंपोज करेंगे रूल ऑफ लॉ अगर आर्बिट्ररी है रूल ऑफ लॉ को अगर हम सिलेक्टिवली इंपोज करेंगे एक बात वहां पर पक्का यार ट पब्लिक इंटरेस्ट विल ऑलबीज अंडरमाइंड अगर यह होगा तो जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट है ना उसको क्या हो जाएगा दैट विल be अंडरमाइंड लोगों को लगेगा यार यहाँ पे किस कोर्ट में किसी पुलिस स्टेशन में या कहीं पे भी जाने का क्या फ़ायदा एक आएस ऑफिसर के पास एक जुडिशियल ऑफिसर के पास क्या फ़ायदा अगर वो हमारी बात ही एक रूल ऑफ लॉ से नहीं करेंगे जहाँ जिस सिर्फ पैसे वालों की बात ही हो रही है देयर फिर इफ वी हैव टू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एंड इट इज़ नॉट अ डेस्टिनी अगर इसको सक्सेस बनाना है दे आर वेरियस पॉइंट इस तरीके से इन चार पॉइंट पॉइंट्स को लिखोगे यू विल बी कम्पेरिटिवली इन अ पोजिशन टू गेट गुड इसके साथ ही इन द एंड वाइल राइटिंग कंक्लूजन यू कैन राइट दैट डेमोक्रेसी इज एन इवॉल्विंग है प्लस डिमांड क्या डिमांड है दैट देयर टू बी कॉन्टीन्यूस एफर्ट दैट आर देयर कॉन्टीन्यूस विजिलेंस दैट हैज बी देयर एंड कॉन्टिन्यूस पार्टिसिपेशन ऑल्सो ऐसा नहीं कि एक बार हमने डेमोक्रेसी कर दी उसके पार्टिसिपेशन नहीं उनके विजिलेंस नहीं कुछ एफर्ट नहीं है देयरफोर इट अगर ये सब कुछ करना है ना वन थिंग इज इंपॉर्टेंट इट रिक्वायर्स कलेक्टिव कमिटमेंट क्या चाहिए आपको कलेक्टिव अगर इस चीज को फॉर एग्जाम्पल आपने सक्सेस बनाना है अगर किसके लिए टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज

इस तरीके से अगर आप अपने आंसर्स को लिखोगे कम्पेरेटिवली यू विल बी अ बेटर पोडिशन टू गेट गुड मार्क्स फॉर एग्जाम्पल ये अगर इस तरीके से फ्लो चार्ट भी बनाओगे तो वहाँ पे भी कंपेरेटिवली आपके लिए वो अच्छा रहेगा क्वेश्चन के साथ मॉडल आंसर है एज ऑलरेडी बीन अपलोडेड इसको भी आप चेक करोगे आप यू विल बी गेटिंग ऑल द पॉइंट्स देयर इस तरीके से